कोरोना की अलग अलग वैक्सीन को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि वैक्सीन का असर अब कब तक रहेगा। ऐसे ही एक स्टडी अब फाइजर वैक्सीन को लेकर सामने आई है। फाइजर की दोनों खुराक लेने के 6 महीने बाद एंटीबॉडी 80% से अधिक कम हो गई। ये बात अमेरिकी अध्ययन में सामने आई है। अमेरिका में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी और ब्राउन यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में नर्सिंग होम के 120 निवासियों और 92 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के रक्त के नमूनों का अध्ययन किया गया। अध्ययनकर्ताओं ने विशेष रूप से ह्यूमोरलर इम्यूनिटी को देखा, जिसे एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतीक्षा भी कहा जाता है, ताकि सार्स सीओवी2 वायरस के खिलाफ शरीर की सुरक्षा को मापा जा सके, जिससे कोविड-19 होता है। स्टडी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है और इसे प्री प्रिंट सर्वर मेड आर्काइव पर पोस्ट किया गया है। स्टडी के अनुसार पता चला कि 6 महीने के बाद व्यक्तियों के एंटीबॉडी का स्तर 80% से अधिक कम हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार 76 वर्ष की औसत आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों और 48 वर्ष की औसत आयु वाले देखभाल करने वालों में परिणाम समान थे। केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड कैनेडे ने कहा कि टीकाकरण के 6 महीने बाद इन नर्सिंग होम के 70% निवासियों के रक्त में प्रयोगशाला प्रयोगों में कोरोना वायरस संक्रमण को बेअसर करने की क्षमता बहुत कम थी। कैनेडे ने कहा कि ये रिजल्ट बूस्टर खुराक लेने की सिफारिश का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।